हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द 11th पार्ट। और अब हम आपको बताएंगे आपका ग्लोबल वेरिएबल किस तरह यूज़ होता है और कहां पर यूज़ होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां एक इमेज है बाइक की और ऊपर दो बटन है, प्रीवियस और नेक्स्ट के। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगली बाइक आ गई, उससे आगे क्लिक किया, उससे अगली बाइक आ गई, फिर क्लिक किया और फिर क्लिक किया। और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली एक इमेज चेंज हो रही है, ठीक है। और जैसे प्रीवियस पे क्लिक किया, पिछली और उससे पिछली और उससे पिछली, ऐसे बाइक्स मेरे को शो हो रही हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे क्लिक करता अगली बाइक आ जाती है, फिर पिछली आ जाती है, ऐसे ही मेरा काम चल रहा है। लेकिन ये कैसे बाइक बदल रही हैं, इसके लिए हमने यूज़ किया है ग्लोबल वेरिएबल। और अब आपको बताएंगे इसका कोड। तो हमारा कोड यहाँ पर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, एक डिव है जिसके अंदर दो बटन है, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का, और एक इमेज है जिसका डिफ़ॉल्ट कोर्स हमने सेट किया हुआ है। पहले हमने क्या किया, इमेजेस ली, पांच इमेजेस ले ली, BK1, BK2, BK3, BK4 और 5, ये पांच इमेजेस हैं जो हम यूज़ करेंगे। और कोडिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट पहली इमेज सेट कर ली। सो इमेज सोर्स इमेजेस हमारा फोल्डर है और उसके अंदर BK1.jpg हमने सेट किया। अब इसको भी आईडी देनी ज़रूरी है अगर आपको इसको एक्सेस करना चाहते हो प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीन ऑब्जेक्ट बना लो, एक पिक का और दो बटन्स का। तो ये तीन ऑब्जेक्ट बन गए हमारे, ठीक है। तो एक तो हो गया पिक का, दूसरा का बटन प्रीवियस का और एक है बटन नेक्स्ट का। सो यहाँ पर हमने बटन की आईडी भी दे देंगे 1 और 2। ये हमने तीनों ऑब्जेक्ट बना लिए। और हमें क्या करना, अब सबसे पहले नेक्स्ट पे एक कोड करेंगे क्योंकि हमने अगली फ़ोटो पहले शो कराएंगे और फिर पिछली फ़ोटो शो कराएंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले हम प्री डिफाइंड एस्पेक्ट लेंगे। सो पिक डॉट प्रॉप, पिक की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बदली है, सोर्स SRC, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको चेंज करना है। सो पिक डॉट प्रॉप सोर्स विल बी और कॉमा देके सेकंड वैल्यू देंगे, और सेकंड वैल्यू क्या होगी, इमेजेस स्लैश BK2.jpg। अभी मैंने सबसे पहले प्री डिफाइंड कंसेप्ट लगाया। अब आप देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस पर नेक्स्ट पर क्लिक किया ये फ़ोटो बदल गई, लेकिन उसके बाद क्लिक करूँगा तो कोई फ़ोटो नहीं बदलेगी। एक इमेज तो बदल गई लेकिन उससे अगली या उससे अगली नहीं आ रही। अब इसको मुझे चाहिए 2, 3, जैसे पहले तो 1 आई, उसके बाद 2 चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बाकी सारा कोड तो स्टैटिक रह रहा है लेकिन एक चीज़ बदल रही है, दैट इज़ दिस 5। सो पहले हमने क्या किया, प्री डिफाइंड लगाया तो हुआ क्या था, एक फ़ोटो बदल रही है। अब बार सारी बदलनी है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक ग्लोबल वेरिएबल। उसके लिए लेट्स सपोज हमने एक्स वेरिएबल ले लिया। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी शो हो रहा है यहाँ पर जो हमने प्रीडिफाइंड लिया था। तो एक्स को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1+1, ताकि ये बन जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्योंकि हमने पिछली ही वीडियो में बताया था ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और कैसे इंक्रीमेंट होता है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे, अब इस एक्स को हम यूज़ करेंगे इसको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर आप लगाओ डबल कोट शुरू, डबल कोट बंद कर दो, प्लस प्लस और यहाँ पर एक्स लगा दिया। एक्चुअली एक कंकैटिनेशन का प्रोसेस है, आपको इसके बारे में अलग से वीडियो मिलेगी, हाउ टू कंकैटिनेट स्ट्रिंग। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख लो क्या किया मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, एक प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग, उसको मैंने रिमूव कर दिया और वहाँ पर क्या किया, डबल कोट शुरू करके बंद कर दिए और इसमें प्लस के साथ कंकैटिनेशन कर दिया एक्स। इससे क्या बन जाएगा, BK1, BK2, BK3, BK4 ये ऑटोमेटिकली बदलता रहेगा। अब आप देखो क्या हुआ, 2, 3, 4 और 5, पांच इमेजेस हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, अलर्ट करके देख लो। सो ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लो यहाँ से, ये देखो क्या बन रहा है। साथ में अलर्ट करते हैं, रीलोड करते हैं इसको। जब क्लिक किया क्या हुआ, इसने बनाया इमेजेस BK2, ये BK2 इमेज होगी। क्लिक किया इमेजेस BK3, ये एक्स इंक्रीमेंट हो रहा था इसलिए 3 आ गया, 4, 5, ऐसे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा। ऐसे ही आप प्रीवियस का बटन बना लो, सेम कोड कॉपी पेस्ट, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, एक तो बटन का नाम बदल दो, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा दो और ये अलर्ट भी हमें नहीं चाहिए। अगर शो करवाना तो करवा लो। अभी रीलोड किया, 2, 3, 4 और 5। अब पीछे जाएंगे, ये आ गया 4, पिछली 3, 2 और ये 1। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड को।
ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फ़ायदा होता है। आप इसे अलग अलग इमेजेस चेंज कर सकते हैं और अपना कंसेप्ट बना सकते हैं। अब अच्छे से चला के देखते हैं, रीलोड करते हैं, नेक्स्ट 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 एंड देन प्रीवियस प्रीवियस, ये चल रही है हमारी कोडिंग। लेकिन अगर यहाँ पर हम ज़्यादा बार नेक्स्ट दबा देंगे तो हमारा आ जाएगा एरर, जो हमने इस वीडियो में कंट्रोल नहीं करेंगे। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब आपको सिखाएंगे कंडीशनिंग। तो इसीलिए ये इस पूरी सीरीज़ आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आए और साथ में आपको कंसेप्ट बनाने भी आए, रियलिस्टिक कंसेप्ट जो आप यूज़ करते हो वेबसाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। आई एम विष्णु महोत्रा, हेड ऑफ पर्ल इंस्टीट्यूट बटाला। बाय बाय।